तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। मैं आपको लेके चलता हूं आज ऋषिकेश। हम जा रहे हैं ऋषिकेश, मैं हूं, ठीक है। दो बाइक जा रही है, पूरी मोटर व्लॉगिंग होने वाली है, पूरा आपको एरिया कवर करके दिखाऊंगा, सिनेमैटिक होगा, मज़ा आएगा। आइए चलते हैं। तो टोल प्लाजा आ चुके हैं हम। हो सकता है आने वाले टाइम में बाइक पे भी टोल लग जाए। तो ये सिवाया टोल है, मोदीपुरम से आगे पड़ता है, सिवाया टोल है। तो तेल खत्म हो गया, रिजर्व में आ गई है। बीच में तेल ख़त्म ना हो जाए तो पेट्रोल पंप फाइंड करते हैं, तेल डलवाते हैं और फिर चलते हैं टैंक फुल करवाते हैं। इन्हें देखो, ये रे नोटिस करना इन्हें। ये रे, यही थे गाइस, यही थे, यही लेके आए हैं ऋषिकेश हमें। तो गाइस, फाइनली हम आ गए ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में हम रूम ढूंढेंगे और फिर नाइट रुकेंगे यहीं पे और थोड़ा बहुत घूमेंगे, कुछ खाएंगे आराम से और फिर सुबह निकलेंगे नीलकंठ के लिए। हर हर महादेव, जुड़े ही रहिए मेरे साथ, चलते हैं नीलकंठ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली हम ऋषिकेश से निकल रहे हैं, होटल से चेकआउट कर रहे हैं। चेकआउट करने के बाद हमने सोचा है क्यों ना थोड़ा सा नाश्ता किया जाए बाहर, या तो मैगी खाएंगे और फिर हम निकल रहे हैं नीलकंठ के लिए। सो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है आपके सामने, मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी लिए। ओके, चलिए चलते हैं इस केस की तरफ, नीलकंठ की तरफ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो कल रात राइड मैंने की थी तो अब मैंने सोचा क्यों ना बाइक जोशी को दे दी जाए, तो अब बाइक जोशी चलाएगा क्योंकि मैं थोड़ा थक गया था, तो अब बाइक जोशी चला रहा है। ओके, और अभी जो शूट कर रहा है वो शिवाजी है हमारा, शिवाजी महाराज शूट कर रहा है और शिवाजी के आगे बैठा है विशाल। ओके, तो विशाल हमें गाइड भी करता है। ओके, आपको पता ही है विशाल के बारे में, तो ये हमारे विशाल भाई है जो कि हमें गाइड करते हैं। और बाकी फिर जोशी आगे राइड कर रहा है और इन्जॉय कर रहे हैं। इसी केस में अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा नीलकंठ के लिए, और नीलकंठ से आने के बाद जाएंगे नीर वॉटरफॉल, और नीर वॉटरफॉल के बाद जो हमारा प्लान है वो है सुरकंडा देवी के लिए। तो सुरकंडा देवी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे माता सती का सर गिरा। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितने भी मेरे ब्लॉग्स हो वो प्योर फैमिली हो, एक तरीके से धार्मिक रिलेटेड हो, मतलब एक तरीके से ऑलराउंडेड है, मतलब गालियाँ नहीं, ब्लॉग नहीं, ठीक है। ओके, एंजॉय कीजिए जर्नी को। हर हर महादेव। यार कितने खूबसूरत है ना पहाड़, है ना,
यार मजा ही आ जाता है। ऋषिकेश में जाओ या किसी भी एडवेंचर जगह जाओ, मतलब इन पहाड़ों को देखकर यार पहाड़ों से तो ना प्यार ही हो गया, मतलब यार बहुत मजा आ रहा है। आप कैसे बताऊँ आपको, तो बस यही बोलूँगा यार, जब लाइफ दी है ना भगवान ने आपको, तो एक्सप्लोर कीजिए, है ना। अपने काम को भी कीजिए, काम मत छोड़िए, बट आइए एक बार, घूमिए जरा, देखिए किस तरीके से लगती है। कैमरे की नज़र से बाहर निकलिए, फोन की नज़र से बाहर निकलिए। जब आप दुनिया को देखते हो तो कैमरे जो आपको दिखाता है वो आपको ऐसा नहीं दिखा सकता जो हमारी आंखें दिखा सकती है ना। भगवान ने आंखें कितनी खूबसूरत बनाई है ना, तो आंखें जो आपको दिखा सकती है वो कैमरा आपको दिखा ही नहीं सकता। एनीवे मैं आशा करता हूँ कि आप भी बहुत जल्दी यहाँ पे आए। जय हिंद। पता है आपको, उत्तराखंड को ही स्वर्ग कहा गया है, देवभूमि, इसलिए इसको एक तरीके से कहते हैं कि ये देवभूमि है। मतलब आप नज़ारा देखिए जरा, मतलब स्वर्ग है ना अगर, तो उत्तराखंड में ही है। आप उत्तराखंड में केदारनाथ जाओ, है ना, बद्रीनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ, यमुनोत्री जाओ, जितनी भी जगह है ना उत्तराखंड की, बहुत खूबसूरत है। मतलब जैसे भगवान ने ना इसको खुद बनाया, स्वयं बनाया, तो मज़ा ही आ गया। कितना प्यारा सनसेट था अभी आपने जो देखा, और आगे देखिए क्या क्या आपको नज़ारे देखने। तो फाइनली हम नीलकंठ आ गए हैं, अब बाबा के दर्शन करेंगे। देखो ये मार्केट है ना, तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। जो बाइक आपको पार्क करनी है वो सीधा आगे जाइए मंदिर परिसर तक, वहाँ पे जाके पार्क कीजिए। वैसे तो आपको लोग बोलेंगे कि बाइक यहीं पे पार्क कर दीजिए और अपना सामान यहीं रख दीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हो, बट मैं आपको ये बोलूँगा आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पार्किंग का प्रॉपर है एरिया, आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो बाइक। सो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं, जस्ट कुछ देर में ही हम पहुँच जाएंगे, और मंदिर परिसर के पास ही अपनी बाइक को पार्क करेंगे, और महादेव अपने बाबा के, जगत पिता के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सो देखिए अब हम पहुँच गए, आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, यहीं से रास्ता है जाने का, यहीं पे हम पार्क करेंगे। सो बाइक हमने पार्क कर दी है, अब दर्शन करेंगे, हर हर महादेव। चलते हैं अंदर की तरफ और दर्शन करते हैं, पहले स्नान करेंगे हाँ, फिर दर्शन करेंगे। देखिए मार्केट कैसा है, ये मार्केट आप देख सकते हो, ये हमारा मार्केट है नीलकंठ वाला, और नीचे स्नान करने की जगह है। पर्टिकुलर कहाँ पे स्नान करना है वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए लेके चलता हूँ। सो ये है नहाने की जगह, स्नान करने की जगह, आपको पानी की आवाज भी हो रही होगी। अब यहाँ पे नहाते हैं और फिर दर्शन। चलो जल्दी पैर भिगो लिए पहले। अरे यार बहुत ठंडा पानी है। सो
सर्दी लग रही है ना अभी, तो ठंडा पानी है, बट एनी हाउ नहाना तो है। हर हर महादेव। सो स्नान तो कर लिया है, अब मैं आपको मंदिर का परिसर दिखाता हूँ, देखिए कितना बड़ा मंदिर है। आज इतनी भीड़ नहीं है, और कह सकते हैं कि हम थोड़ा जल्दी आ गए इसलिए भीड़ नहीं है, क्योंकि हम सुबह ही आ गए थे, हम निकल गए थे 6 बजे। और यहाँ से रास्ता